गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे इज 13th अक्टूबर. सो आज मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रही हूँ. दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमेटोग्राफी विच मीन्स डिफरेंशिएट डिफरेंट फोटोसेंसिंग पिगमेंट. सो सी द एक्सपेरिमेंट ड्राइंग जो भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट स्टडी किए थे. दैट इज ज़ैंथोफिल, कार्टेरिन, कैरोटीन्स एंड क्लोरोफिल. सो सी एक एक्सपेरिमेंट ड्राइंग हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो लेट अस डिस्कस मटीरियल रिक्वायर्ड. सो हमें क्या क्या मटीरियल चाहिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड क्रोमेटोग्राफ जार. सो एक जार चाहिए जिसमें से एक्सपेरिमेंट करना है. आफ्टर दैट स्पिनच लीव्स, देन एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर एंड थ्रेड. ठीक है. सो वी नीड ऑल्सो सॉल्वेंट. सो दिस इज अ सॉल्वेंट जो सानू चाहिए. आफ्टर दैट लेट डिस्कस द प्रोसीजर. सो फर्स्ट प्रोसीजर इज क्लीन द मटीरियल विच आर यूज इन प्रोसीजर. सब तो पहला जो भी मटीरियल यूज कर रहे हो, ब्रिटिस यूज कर रहे हो, प्रॉपर क्लीन कर लो. आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट इज क्रश द स्पिनच लीव्स विद द हेल्प ऑफ एसीटोन. सो एक स्पिनच लीव्स लो, पालक के पत्ते लो. ठीक है. उन्होंने क्रशर च पाना है एंड उन्होंने बीट करना है. क्या ऐड करके? सॉल्वेंट एसीटोन पा के उन्होंने बीट करना है. देन मार्क द सेंटर पॉइंट. तुम एक स्लिप लोगे. ठीक है. सो तुम एक स्लिप ले रहे हो 2 सेंटीमीटर की दूरी से. तुम मार्क कर रहे हो पेंसिल के नाल. ओके. एंड देन तुम कर रहे हो देन अप्लाई द स्पिनच मटीरियल ऑन द स्लिप. तुम स्पिनच मटीरियल जो तैयार किया है उन्होंने स्लिप के सेंटर के बीच मार्क कर रहे हो. ठीक है. एंड ये मार्किंग असी 4-5 टाइम्स तक करते रहोगे ता जो सा डॉट है थोड़ा डार्क पॉइंट हो जाए स्पिनच का. ओके. आफ्टर दैट हैंड दिस स्लाइड इन टू जार. ठीक है. तुम करोगे एक फट को जार होएगा. ठीक है. जिदे में तुसी इतने थ्रेड लगा के तुसी इतनू जार दे विच थोड़े हाफ एन आवर दे लिए तुसी रख दोगे. जब तक तुहाडा रिजल्ट अपीयर नहीं होंदा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बेटा डिफरेंट कलर्स इतने अपीयर होने शुरू हो जाते हैं. एंड कलर के बेस पे से डिफरेंशिएट करते हैं कि केड़े केड़े पिगमेंट है. अगर ग्रीन होगा तो क्लोरोफिल, येलो होएगा देन कैरोटीन, अगर ऑरेंज होएगा ज़ैंथोफिल.